तो दोस्तों थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, मेरे पास कुछ ही दिनों पहले इस तरह का अमेजोन का बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ बहुत अच्छा सा बनाया जाए। तो मैंने इससे एक DIY सेंटर टेबल बनाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का वॉलपेपर ले लिया है वुडन कलर का। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये सीजर टेप वगैरह मैंने लिया हुआ है जिसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। इसके अलावा और भी चीज़ें मैंने यूज़ की है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड देन ये जो बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर हमें सपोर्ट के लिए एक और कार्डबोर्ड बॉक्स डालना था, तो मेरे पास ऑलरेडी एक था तो वो मैंने ले लिया है। उसके बाद इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो हमने इसको कॉर्नर से कट करके इसका हाइट थोड़ा कम कर लिया है ताकि वो आसानी से हमारे बड़े वाले मेन कार्डबोर्ड बॉक्स में फिट बैठ पाए। उसके बाद इसकी एजेस को क्लीन करके हमने इस पे इस तरह का ब्राउन टेप चिपका दिया है, क्योंकि हम इसको बेस में चिपकाने वाले हैं, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा स्टर्डी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, अंदर डालने के लिए हमने इस कार्डबोर्ड बॉक्स को इस तरह से तैयार कर लिया है। इसे हम उल्टा करके अंदर डालेंगे, बट हमें थोड़ा सा और स्टडी चाहिए था क्योंकि हमने सोचा कि हम इतना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा स्टडी होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने साल भर तो चलना चाहिए सेंटर टेबल। तो इसके लिए हमने इसमें और भी जो हमारे पास कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे उनको प्रॉपर मेजर करके हमने इसके अंदर भर दिया और फिर टेप की मदद से हम इसको और अच्छे तरीके से स्टडी बनाकर स्टिक कर देंगे। अब ये जो हमने छोटे छोटे कार्डबोर्ड बॉक्सेस लिए हैं, इसे हम ग्लू या फिर फेविकॉल की मदद से बेस में स्टिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जितनी चीज़ें अवेलेबल थी हमने कोशिश की कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी बनाने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाना था। तो इस तरह से हम टेप की मदद से इसको काफी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच में यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा था कि और कुछ फिल करना चाहिए, तो एक छोटा सा कार्डबोर्ड था वो हमने फिल कर दिया। और आप देख सकते हैं इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन टेप की मदद से एक स्ट्रॉन्ग स्टडी बना लिया है। और फिर उसके बाद इसके बेस पे हमने फेविकॉल लगाया और फिर इस फेविकॉल की मदद से हम इस छोटे वाले कार्डबोर्ड बॉक्स को बड़े वाले के अंदर चिपका देंगे। साइड में हमें लग रहा था कि थोड़ा और सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए साइड से भी हमने ब्राउन टेप की मदद से इसको स्टिक कर दिया। इसके बाद जो स्टिकर्स थे वो हमने रिमूव कर दिए क्योंकि हमें इसके ऊपर वॉलपेपर स्टिक करना था। और उसके बाद जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड बॉक्स है, जो बाहर वाला है मेन कार्डबोर्ड बॉक्स, उसे हमने टेप की मदद से थोड़ा और स्टडी बना दिया। उसके बाद बारी आती है इस वॉलपेपर को स्टिक करने की। तो जब भी आप इसको यूज़ करें, मेक श्योर करें कि आप दो लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी बबल आ जाता है तो ये उतना अच्छा नहीं लगता है। तो काफ़ी पेशेंस के साथ इसको लगाना होता है। तो इसके लिए आप कोई भी पुराना ATM या फिर ये जो मेडिसिन का इस तरह का जो स्ट्रिप होता है उसकी मदद से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसे लगाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत धीरे धीरे और बहुत ही पेशेंटली हमने इसको लगाया ताकि बहुत अच्छा फिनिश आए। तो गाइस, इस तरह से हमारा जो बॉक्स है वो तैयार हो चुका है। थोड़ी सी जगह खाली थी तो उसे वैसे भी ऊपर से कुछ ना कुछ कवर करना ही था। और इस तरह से जो छोटे छोटे बबल्स अगर रह जाते हैं तो आप पिन से थोड़ा सा ऐसे प्रिक करके आप उसका एयर निकाल सकते हैं।
तो हमारा DIY सेंटर टेबल तैयार है जिसे हमने बनाया है बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर मैं एक टेबल रनर यूज़ करूँगी, एक्चुअली एक दुपट्टा है, इसे मैंने प्रॉपर फोल्ड करके आयरन करके रखा हुआ है और इस तरह से मैंने बुक एंड फेक फ्लावर रख के इसको डेकोरेट किया है। साथ में मैंने एक मनी प्लांट भी ऐड कर दिया है और ये फेरी लाइट है। आपके पास जो भी डेकोरेटिव आइटम हो आप उनका यूज़ करके अपना सेंटर टेबल डेकोरेट कर ही सकते हैं। सो गाइज, तैयार है हमारा DIY सेंटर टेबल फ्रॉम दी कार्डबोर्ड बॉक्स। एंड बिलीव मी, वीडियो में मुझे लगता है कि रियल में जितना अच्छा लग रहा है, वीडियो उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। इट्स लुकिंग ऑसम और इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये हाथ से बनाया हुआ DIY सेंटर टेबल है। ये बिल्कुल मार्केट से खरीदा हुआ लग रहा है। आपको ये कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लिविंग।